नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। तो ये कौन सा है सर, ये बकरे हैं सारे? हाँ, ये टोटल बकरे हैं। इसके अंदर सिरोही है, सोजत है और गुजरी है, और इसमें ईद वाले भी है, छोटे किट्स भी है, अगली ईद के लिए भी है। आप देख सकते हो, ये अभी जैसे सोजत का किट में 6 महीने का बच्चा है अभी तक। 6 महीने? हाँ, 6 महीने का। इसने अभी तक दांत भी नहीं किया। अच्छा, अब करेगा, ये अदंत है अभी तक। 6 महीने का बच्चा है। और एक ये भी है, देखो आपको मैं बताता हूँ, एक ये इतना बड़ा, आज ये 45 किलो के आसपास होगा। इसने भी अभी तक दांत नहीं किए, ये भी अदंत ही है। ये सोजत ब्रीड है, 8 महीने का। हाँ, ये 8 महीने के आसपास का है। ये अभी 45 केजी के आसपास है। जो आपको मैंने दिखाया वो 30-32 केजी के आसपास है। अभी इसने भी दांत नहीं किए, ये आपके सामने सो जाते हैं। ये वाला, इसने भी? हाँ, इसने भी दांत नहीं किया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी अदंत है। ये सोजत है, ये सोजत ब्रीड है जो मैंने बताया। तो ये सर, जो ईद वाले माल है, जो अभी तैयार है, वो है ये। जैसे ये है वो उधर है, दोनों ये है, और ये रहे मेरे फार्म के शेर, दोनों भाई है ये। ये मेरी बकरी के ही है जो ये अभी, ये 15 महीने के हुए हैं दोनों। अच्छा, ये 15 महीने का है? हाँ, अभी 15 महीने। काफी हाइट भी काफी करी है, बहुत अच्छी लेंथ, बहुत अच्छी है इनकी। इसकी हाइट तो देख लो ना आप, ये 3.5-4.5 के आसपास है। ये 43-44 इंच का होगा, बहुत अच्छा सर। आपके एक बार खड़ा होना सर पास। ये मेरी खुद की बकरी के रखे हुए हैं, फार्म की शान है मेरे। अच्छा, तो इनकी क्या रेट है सर? सोजत की अभी देखो, सिरोही की लॉकडाउन की वजह से रेट बहुत कम हो गई है। अपने फार्म से आज प्रेजेंट टाइम में आपको 260 रुपये पर केजी से सिरोही मेल मिलेगा, खस्सी दो दांत से ऊपर, और सोजत मिलेगा आपको 300 रुपये पर केजी से। हाँ, ये सोजत नहीं, ये सिरोही है, ये मिलेगा 260 रुपये पर केजी से। और ये सोजत जो वाइट वाला है जो मैंने बताया आपको, ये 300 रुपये पर केजी से लगेगा। हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से रेट टूट गई सर जी, नहीं तो यही रेट इसी बकरे, सिरोही वाले बकरे की 350 रुपये पर केजी लॉकडाउन। अगर ये लॉकडाउन नहीं लगा या किसी भी तरह ये प्रॉब्लम नहीं आती अपने भारत में, ये तो यही बकरा 350 रुपये किलो से यहाँ से फार्म से जाते हैं। अब ये कि यही हुआ कि ये बीमारी आने से अपने सबका आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखो, जो ईद मनाएगा वो तो उनको तो मनाना ही पड़ेगा। इस चक्कर में फिर रेटे तो, अब किसान भाई मेरे बहुत है जो 100-100 बकरे पाल रखे, किसी किसान भाई ने, किसी ने 50-50 पाल रखे, क्योंकि वो उन्हीं पर निर्भर थे। अब वो बकरे, वो क्या हुआ कि उनके पास इतना खरीदने वाले की इतनी जमाइल नहीं बटी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा माल जाता है, जैसे बॉम्बे, अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉम्बे जाता है इंडिया में, तो वहाँ पे बकरे कम से कम मान के चलिए 6-7 लाख रुपये पूरे बॉम्बे में 6-7 लाख बकरे खपत होते हैं। अब वहाँ पे जो लॉकडाउन लगा हुआ, अभी भी प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ, तो कहाँ से बकरे जाएंगे फिर? इसकी वजह से अब इतने बकरे कौन खाएगा, तो वो रेटें टूटेगी। जहाँ माल ज़्यादा होगा वहाँ मंदी आएगी। तो इस बार माहौल क्या माहौल है सर इसका? इस बार माहौल बहुत ही ख़त्म माहौल है, कोई मज़ा नहीं आ रहा माहौल में। बकरे बेचने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, और किसान भाइयों के पास बकरे खरीदने जाने जाते हैं खरीदने, तो भी मज़ा नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि इतना मज़ा ही नहीं आया, क्या करें, लॉकडाउन की वजह से। मेन आज इतना मैंने इतने बड़ा हो गया, मैं खुद माल देते, ये फर्स्ट बार ही कोई बकरे के अंदर मद्दी आई है, तो लॉकडाउन इन पैसों की वजह से आई है। क्या करें, अब किसान बहुत से भाई है जिनके पैसे ही नहीं है। जो खपत होगा उसका, जैसे 100 होता है तो 50 तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यही है कि जितना मतलब अपन को प्रॉफिट सोच के चल रहे थे मेरे किसान भाई, वो उतना प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाएगा इस बार तो। बाकी अगली बार तो श्योर देख लेना आप, इससे अच्छी मतलब खपत, मतलब माल जाएगा।
तो यानी कि आपने अपने यहाँ पे 240 रुपए से लेके 260 रुपए पर केजी से लेके 300 रुपए पर केजी तक का माल है अभी। अच्छा, तो कितना माल ले सकता है? मतलब आप जितना ऑर्डर देना चाहो उतना माल मिल जाएगा। बाकी ऑर्डर यही है कि आपको स्पेशली यहाँ पे एक दो दिन रुकना पड़ेगा ईद गोट के लिए। और मेन बात यही है, मेरे भाई बहुत कहते हैं कि पैसे वहाँ दे देंगे, पैसे यहाँ दे देंगे। मेन बात यह है, लॉकडाउन लगा हुआ, पैसे की सभी पास मद्दी पड़ी हुई, पैसे की सबको जरूरत है। तो आप माल लेते हो तो प्रेजेंटली पूरा पेमेंट यहीं पर होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी सभी को पैसे की ज़रूरत है, तो पेमेंट यहीं पर होगा सारा। और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9828643308। एक नंबर और है 9680050016। और ये दोनों पे व्हाट्सएप नंबर है और कॉल भी कर सकते हो आप। ट्रांसपोर्ट का सर जी ये रहता है, अभी इनमें देखो जैसे ईद के ऊपर ट्रांसपोर्ट, जैसे अब मान के चलिए कि आप 10-20 बकरे ले रहे हो, तब तो मैं अपने ट्रांसपोर्ट से आपके वहाँ पे वही 14 रुपये किलोमीटर के हिसाब से छुड़वा दे दूँगा पूरी गारंटी के साथ, और वही गारंटी रहेगी। बाकी जैसे बड़ी गाड़ी से आप ले रहे हो तो बड़ी गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन अभी प्रजेंट आज की तारीख में बॉम्बे का 80,000 रुपये ट्रांसपोर्ट खुला है। ये बॉम्बे जो ईद के बकरे जा रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट अभी 80,000 रुपये खुला है। नॉर्मल टाइम के अंदर यही ट्रांसपोर्ट 40,000 रहता है, उसमें भी अपनी पूरी गारंटी रहती है। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना है। मेरे जो भी कस्टमर भाई है कि अपन वहाँ पे जाएंगे कि वो गारंटी नहीं ले रहे हैं, उसमें भी अपनी पूरी गारंटी रहती है। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि मतलब जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो रहता है वो पूरी गारंटी के साथ में खुद के वहाँ पर स्पॉट ऑन द स्पॉट पहुँचाने की इनकी गारंटी है। और फिर पेमेंट गाड़ी लोड करवा RTGS करा सकते हो या आप कैश ला सकते हो। बाकी मैं तो ये कहता हूँ बेटर इसी में रहेगा कि आप बैंक से ट्रांसफ़र कराओ वहाँ पे अपने। क्या साथ लाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, गाड़ी अभी जाएगी अपनी, गाड़ी यहाँ पे नासिक जा रही है आज। दो गाड़ी यहाँ से माल लोड होगा, एक गाड़ी कल लोड होगी जो बड़े में। और इनको सर जो देख रेख होती है खाना वगैरह का, फीड वगैरह का, इनको एक्स्ट्रा देना एक्स्ट्रा देनी होती है क्या? नहीं, एक्स्ट्रा तो देखो इनको मतलब सुबह आप वही दाना जो पत्ती देनी, हरी पत्ती जो भी किसी तरह का, जैसे अभी अपने यहाँ पे तो हरी पत्ती दी जाती है इनको। शाम के टाइम हम इनको जैसे जो हुआ मक्का हुआ इनकी मतलब वो करा के इनमें तेल का भुरका दे के फिर चूरमे की तरह वो खिलाया जाता है। मैंने आपको बोला टाइम टू टाइम इनको खुराक मिलनी चाहिए। अब इनको मैं शुरू से कैल्शियम दे रहा हूँ, जब से ये मैंने इनको मतलब चाबी लगवाई है, कस्सी करवाया, तब से मैं इनको कैल्शियम देना स्टार्ट हो गया।